क्यों बिग बॉस के शो में नहीं जाते पवन से। लगातार 4 बार से पवन को बिग बॉस का आया न्योता, लेकिन पवन सिंह ने बिग बॉस के घर जाने से कर दिया इनकार। जी हाँ, पवन सिंह की बात अगर करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब भोजपुरिया कलाकारों को बिग बॉस के घर में बुलाया गया है, तब तब पवन सिंह को ज़रूर न्योता दिया गया है। लेकिन जब पवन सिंह ने उसे रिजेक्ट किया, तब उसके बाद किसी और स्टार को पूछा गया है। जी हाँ, इस बात को पवन के करीबी कंफर्म कर रहे हैं कि पवन सिंह के पास कई बार बिग बॉस में जाने का न्योता आ चुका है, लेकिन पवन सिंह वहाँ जाना नहीं चाहते। पवन सिंह को लगता है कि बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म उनके लायक नहीं है, जहाँ गाली गलौज चलती है, जहाँ बगैर सिर पैर के झगड़े होने लगते हैं और ना कुछ होते हुए भी लड़ाई करना पड़ता है। ये तो सभी जानते हैं कि बिग बॉस जैसा शो एक पूरी तरह से कॉन्ट्रोवर्सियल शो है। ऐसे शो में जाने के लिए आपको लड़ाकू होना पड़ता है, यानी कि अपनी बात रखने के लिए ज़ोरदार झगड़े करने पड़ते हैं। और ऐसे में पवन सिंह कहते हैं उनका व्यक्तित्व बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो नहीं चाहते कि जो शो उनके इमेज को सूट नहीं करता, ऐसे शो में पवन सिंह नहीं जाना चाहते हैं। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जिस सीज़न में गए थे, बिग बॉस 13 के सीज़न में भी पवन सिंह को ऑफर आया था, उससे पहले बिग बॉस 10 और उससे भी पहले बिग बॉस 9 के सीज़न में भी पवन सिंह को ऑफ़र आया था बिग बॉस में जाने का, लेकिन पवन सिंह ने हर बार इस शो में जाने से इनकार किया। आपको बता दें कि बिग बॉस जैसे शो में जाना पवन सिंह भले ही ना पसंद करते हों, लेकिन द कपिल शर्मा जैसे शो में जाना पवन सिंह को बहुत रास आता है। पवन सिंह को ऐसे फैमिली शो बहुत ही पसंद है जो लोगों को हंसाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह को बिग बॉस जैसे शो से ऑफ़र नहीं आता, वो पहले अपनी मेमोरी चेक कर लें, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पवन को कई बार ऑफ़र आ चुका है, लेकिन हर बार वो इसे रिजेक्ट ही करते हैं।